बच्चा से देखे अशोक चौधरी के कि सब दिन फोरबडे के साथ रहा, भूमियारे के साथ रहा, और इलाका भी है बाबू को जीतते थे भूमियार से, भूमियार के साथ सब दिन साथ रहना, अब भूमियार विरोधी है तो बेटी के ब्याह काहे किया भूमियार से। हमारा भी तो जब जब भेंट हुआ है तो भूमियार साथ है बड़ बीघा के, हम बच्चे से चिन्ह रहे हैं अशोक चौधरी के, हमारा से 5-6 कोस बड़ बीघा है, हंगामा कर रहा है जिसको जरा कोई नहीं सुन रहा, इतने बोल के संतोष कर रहा है, के बोल रहा कौन कजा हंगामा हो रहा है, यदा बावन बैठे हैं पूछे कोई है हंगामा में। नमस्कार, आप देख रहे देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदनी। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कुछ दिनों पहले भूमियारों को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं भूमियारों को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, मेरी खुद की बेटी उस घर में ब्याही है और मैं खुद उनके परवरिश में पला बड़ा हूँ। आपको बता दूं कि इसको लेकर उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार भूमियारों के लिए लगातार काम करते नजर आते हैं, लेकिन वोट देने के समय भूमियार किसी और जाति को वोट दे देते हैं, और उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर भी भूमियार उम्मीदवारों को एक चेतावनी दी कि भूमियार उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया जाएगा, और ऐसा डर उनके मन में डाला गया। अब इसको लेकर जिस तरीके से उन्होंने भूमियार को लेकर एक विवादित बयान दिया, इसको लेकर लगातार बिहार की सियासत काफी ज्यादा तेज है। पक्ष विपक्ष के बीच में बयानबाजी तो हो ही रही है, लेकिन सत्ता पक्ष सरकार के जो लोग हैं वो खुद नसीहत दे रहे हैं, कहे तो इस बात को लेकर काफी निंदा की जा रही है अशोक चौधरी की, चाहे वो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता सा एमएलसी नीरज कुमार हो या फिर जितने भी तमाम लोग हो, लगातार अशोक चौधरी के इस बयान को लेकर उनकी निंदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हम आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने बोला कि भूमियारों ने उन्हें वोट नहीं दिया, इस तरीके से लगातार पक्ष वाले अब खुद अपनी ही पार्टी और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। ऐसे में हम आपको बता दें कि बाहुबली नेता अनंत सिंह ने भी अपनी बातों को सामने रखा और पूरे तरीके से अनंत सिंह जो है वो अशोक चौधरी का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हम आपको बता दें कि अशोक चौधरी ने भूमियारों को लेकर विवादित बयान दिया, वहीं पर उन्हीं की सरकार के लोग इनके इस बात को लेकर उनकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम बातें करें और आपको बताएं तो अनंत सिंह और बाहुबली नेता अनंत सिंह इस बात को लेकर उनका समर्थन कर रहे हैं। पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अनंत सिंह। बच्चा से देखे अशोक चौधरी के कि सब दिन फोरबडे के साथ रहा, भूमियारे के साथ रहा, और इलाका भी है बाबू को जीतते थे भूमियार से, भूमियार के साथ सब दिन साथ रहना, अब भूमियार विरोधी है तो बेटी के ब्याह काहे किया भूमियार से, भूमियार विरोधी है तो फिर बेटी के ब्याह काहे किए भूमियार से, ये गलत बात है। वो सब दिन रहा है बाभन के साथ, सब दिन फोरबडे, हमारा भी तो जब जब भेंट हुआ है तो भूमियार साथ है बड़ बीघा के, हम बच्चे से चिन्ह रहे हैं अशोक चौधरी के, हमारा से 5-6 कोस बड़ बीघा है, हंगामा कर रहा है जिसको जरा कोई नहीं सुन रहा, इतने बोल के संतोष कर रहा है, के बोल रहा कौन कजा हंगामा हो रहा है, यदा बावन बैठे हैं पूछे कोई है हंगामा में, एकदम कुल गलत बात है। तो बड़ बिहार से ऐसे ही जीतते थे बाबू जी, हमकर अब रियो हारे हैं 1,000 से 1,500 से अशोक चौधरी, तो कौन जात वोट दिया था, शादी कौन जात में किए हैं, बेटी के जो रियो शादी किए हैं तो कौन जात में, ये कुल ऐसी है कुछ बात नहीं है। जात के पार्टी हो ही नहीं सकता है, पार्टी जब चलेगा सब जात मिलकर चलेगा तो पार्टी चलेगा, व्यक्ति का पार्टी नहीं होता है। एक आदमी को चाहे एक जात से इलेक्शन जीते ले तो मुखिया नहीं जीतेगा, विधायक आई MP तो बड़ी दूर गया, नहीं कभी नहीं मानते हैं, न कभी विरोधी है, कभी विरोधी अशोक चौधरी नहीं है। आपने सुना किस तरीके से अनंत सिंह समर्थन कर रहे हैं अशोक चौधरी के इस बयान को लेकर, साथ ही साथ जिस तरीके से अगर आप नजर डालें अभी बिहार की राजनीति में तो सबकी आंखें टिकी हुई है अशोक चौधरी पर, लगातार लोग कह रहे हैं कि उनको हटा दिया जाए या फिर जितने भी बयान हैं अशोक चौधरी के खिलाफ में आ रहे हैं। ऐसे में जब उन्हें एक मजबूत बाहुबली नेता अनंत सिंह का समर्थन मिलता है तब ये सवाल काफी तेजी से फैलने लगता है। आपको बता दें कि इस बात को लेकर जिस तरीके से अनंत सिंह ने अशोक चौधरी का समर्थन किया, इस बात को लेकर उनके दामाद अशोक चौधरी के दामाद और सांभवी चौधरी के पति सायन कुणाल ने भी इस बात को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लगाया, और आप समझ सकते हैं इस बात को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लगाने का क्या होता है।
आपको बता दें कि जिस तरीके से शायन कुणाल ने इस सब वीडियो को आनंद सिंह के समर्थन वाले वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लगाया है, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आनंद सिंह का एक मगध क्षेत्र में दबदबा रहा है शुरुआती तौर से ही। ऐसे में जब शायन कुणाल सब पोस्ट को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लगाते हैं तो वो खुद को काफी मजबूती के साथ पाते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक ओर जहां अशोक चौधरी का खुलेआम विरोध किया जा रहा है, कह सकते हैं कि अभी कुछ दिनों से संघर्ष चल रहा है उनके जीवन में। जिस तरीके से भूमियारों को लेकर उन्होंने एक विवादित बयान दिया, उसके बाद से अनंत सिंह के एक बयान से जिस तरीके से अनंत सिंह ने समर्थन किया अशोक चौधरी का, ये काफी सराहनीय है। और इसी बात को लेकर शायन कुणाल ने इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया। ये बात इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि शायन कुणाल ने इस बात को बेहद महत्वपूर्ण पाया, क्योंकि लोगों के वो अभी भी चाहते हैं और लोगों का उन्हें भरपूर प्यार मिलता आ रहा है, अभी भी मिलता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए शायन कुणाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उनके पोस्ट को लगाया। अब कुल मिला के हम आपको बताएं कि तो एक ओर जहां अशोक चौधरी के बयान को लेकर सियासत और सरगर्मी दोनों तेज है, वहीं दूसरी ओर अनंत सिंह, बाहुबली नेता अनंत सिंह अशोक चौधरी का समर्थन कर रहे हैं। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।